हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इससे पहले के मेरे सभी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। उसी तरह से इस मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना कभी भूलिएगा मत, क्योंकि उससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। आप में से हर किसी को, हम में से हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है। क्या इस चाहत को हम मंजिल तक पहुंचा पाते हैं? अब हमारी चाहत को हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? तो पिछले कुछ सालों के मेरे रिसर्च में मुझे पता चला है कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में इमोशंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी सपने पूरे हों, आप भी सफल बने, तो आपको अपने सफलता के साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। देखो, सफल होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तगड़ी ज़रूरत है। अगर हमें खेती करनी है तो खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर मुझे खाना पकाना है तो उसके लिए चूल्हे की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे रिसर्च में मुझे पता चला है कि सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रैटेजी। सक्सेसफुल बनने के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजीज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है साइकोलॉजी। मेरी साइकोलॉजी उस तरह से बननी चाहिए। अब ये दो चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी नॉर्मली होता क्या है, हम अपने लाइफ में गोल सेट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजीज पे काम करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं वैसे हमको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे हमको प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस है, हमारा जो पूरा ध्यान है, हमें जो चाहिए उसे छोड़ करके हमें उसको पाने के लिए जो दिक्कतें आ रही है उस पर हम अपना फोकस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो फोकस है वो स्ट्रैटेजीज पे सिर्फ 20% होगा। आपको अपना पूरा जो फोकस है अपने साइकोलॉजी पे डालना है। अभी साइकोलॉजी होती क्या है, तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि आप अगर अपनी फिजियोलॉजी चेंज करते हो, नॉर्मली साइकोलॉजी के साथ साथ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा फिजियोलॉजी का, अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हो तो ऐसे ही आपके कंधे वहाँ पर जाकर के झुक जाओगे। अगर आप किसी को दुख के लिए मिल रहे हो तो आप उसके साथ में ऐसे नहीं मिल पाओगे, आप उसके साथ में ऐसे ही मिलोगे। यानी वो इमोशन के हिसाब से आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है। लेकिन वहीं पर कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या तो मैरिज पार्टी है, तो इसमें आप कभी ऐसे नहीं करोगे। या तो आपने कुछ चीज़ को अचीव किया है और उसके लिए लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हाथ जोड़ोगे, लेकिन आपके हाथ ऐसे रहेंगे। जिस तरह के इमोशंस होते हैं उस तरह हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती रहती है, और हमारी जैसे फिजियोलॉजी रहेगी उसी तरह से काफ़ी हद तक हमारी साइकोलॉजी बनती है। क्योंकि हमारे हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई मोशन होता है, तो हमारे हमको हर इमोशंस के पीछे अपने मोशंस को डालना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट करता रहता है। अब हमको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए हमने स्ट्रेटेजी बना ली। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में जब हमको ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमारा जो पूरा ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो पूरा हमारा चला जाता है। हमारी जो एनर्जी है वो हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है वो प्रॉब्लम के ऊपर। तो मैं चाहूँगा अपने साइकोलॉजी के अंदर एक इस तरह से मोशन लेके आओ, और मोशन से इस तरह से इमोशंस क्रिएट होंगे जो कि आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा। क्योंकि एक बात दोस्तों याद रखना, कॉन्फिडेंस किसी बाजार में बिकता नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए भी आपकी वैसी साइकोलॉजी होना ज़रूरी है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं मेरे डेली बेसिस पर वर्कशॉप जो मेरे होते हैं वो वर्कशॉप में मैं एक्सप्लेन करते ही रहता हूँ। अब हम में से जिनको भी सक्सेसफुल बनना है और ये सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी साइकोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा नाम है यूसुफ पटेल,
मेरा नंबर है 9819870937। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो। मेरे वर्कशॉप्स थाना में, पुणे में, कोल्हापुर में, पालघर में, नासिक में, औरंगाबाद में, नागपुर में, अलग अलग, अभी मैंने गोवा में भी स्टार्ट किया हूँ, अलग अलग जगहों पर ये मेरे वर्कशॉप चलते रहते हैं। और इसमें मैं लोगों को मदद करता हूँ सक्सेसफुल बनने के लिए, क्या ऑब्स्टेकल्स है उसको किस तरह से ब्रेक करना है, उस पर किस तरह से ओवरकम करना है, और अपनी एक साइकोलॉजी उस लेवल की कैसे बनानी है। तो मुझे खुशी होगी आपको भी मदद करने के लिए, जिस तरह से मैंने मेरे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया हूँ, कई लोगों ने अपनी लाइफ को, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करके ब्यूटीफुल बनाया है। तो मुझे खुशी होगी आपको भी इस चीज़ में, आपके सफर में हेल्प करने के लिए। आपने मुझे सुना, मुझे समझा, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार।